सुप्रभात सभी को। कल हमने जल ही जीवन है इस पाठ के मुहावरा और उसके साथ मौखिक कार्य को मैंने बोर्ड पर लिखाकर आपको समझाया है। आज हम क्या करेंगे, जल ही जीवन के पाठ का जो भी लिखित कार्य है इसे लिखित कार्य के साथ आज का पाठ शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों आज का पाठ शुरू करें लिखित कार्य के साथ। जल का स्वरूप कैसा है, प्रश्न दो, लिखित कार्य। लिखित कार्य में पहला प्रश्न, प्रश्न ख, जल का स्वरूप कैसा है। जलने का स्वरूप अलौकिक है। तो अलौकिक का मतलब क्या है, दैविक है। इस जल को किसने क्या किया है, बच्चों के साथ, बच्चों के मन के साथ क्या किया, तुलना किया है, कंपेयर किया है। तो बच्चों का मन कैसा रहता है, अलौकिक रहता है, दैविक रहता है अपना मन। प्रश्न ख, जलना अपने साथ कैसा जल लेकर आगे बढ़ता है। जलना अपने साथ कैसा जल लेकर किसके लिए किया गया है। सब प्राणियों का प्रयोग जीवन दान करने के लिए किया गया है।
देखिए बच्चों, तीन प्रश्न और तीन उत्तर के साथ मैंने लिखाया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न दो लिखी तथा दिया, जन्म का स्वरूप कैसा है? जन्म का स्वरूप अलौकिक है। जन्म अपने साथ कैसा जल लेकर आगे बढ़ता है? जन्म अपने साथ निर्मल स्वच्छ शीतल जल लेकर उठता गिरता आगे बढ़ता है। सब प्राणियों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सब प्राणियों का प्रयोग जीवन दान करने के लिए किया गया है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सब प्राणियों, इसके इन शब्द पर मैंने क्या किया है, एक विराम चिन्ह लगाया है। कौन सा विराम चिन्ह है बच्चों को? तो सिंगल यूनिट कॉमा बोलते हैं आप अंग्रेजी में, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एक हरा विराम चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर एक हरा विराम चिन्ह। हाँ देखिए, आपको विराम चिन्ह के बारे में हमारे लिए भी जानकारी होना जरूरी है, इसलिए बता रही हूँ। तो एक हरा का मतलब क्या है? सिंगल इंडिपेंडेंट कॉमा बोलते हैं आप जो अंग्रेजी में, तो डबल इंडिपेंडेंट कॉमा को क्या कहते हैं? दो हरा बोलते हैं। दो हरा, एक हरा, दो हरा, ऐसी विराम चिन्ह में क्या है वो प्रकार है। तो उद्धरण चिन्ह बोलते हैं उसको। उद्धरण चिन्ह में दो प्रकार है, कौन कौन से? एक हरा और दो हरा। और एक हरा को देखिए यहाँ पर ऐसे सिंगल डालते हैं, हाँ, दो हरा के लिए ऐसे ऐसे डबल ऐसे कॉमा लगाया जाता है। समझ में आ गया? देखिए अभी हम क्या करेंगे बच्चों, आगे का जो क्वेश्चन है तो लिखेंगे बोर्ड पर। प्रश्न घर वाला, व्याकरण में सब के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है बच्चों, क्योंकि व्याकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्याकरण सीखोगे तो आराम से क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो और बाकी की रचना कर सकते हो, सभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न घ में लिखने वाले प्रश्न घ, जल को जीवन क्यों कहा गया है? जल को जीवन क्यों कहा गया है? जल को जीवन क्यों कहा गया है? उत्तर घ। तो जल को जीवन क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि जल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जल के बिना, जल का मतलब पानी, पानी के बिना हम नहीं रह सकते। तो पानी आवश्यक चीज है हमारे लिए। अगर हम भोजन के बिना रह सकते हैं जीवन में, आराम से एक हफ्ता रह सकते हैं, लेकिन पानी चाहिए। पानी हर प्राणी को, हर जानवर को, हर मनुष्य को चाहिए। जल सब प्राणियों के लिए, सब प्राणी मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए जल को जीवन कहा गया है। प्रश्न, जल धरती पर कैसे उतर कर आता है? जल धरती पर कैसे उतर कर आता है? जल धरती पर नदी समान तत्व आता है।
अंत में जल किसका रूप लेता है? कैसे? उत्तर छ, अंत में जल किसका रूप लेता है? अंत में सागर, अंत में जल सागर में मिल जाता है। देखिए यहाँ पर तीन प्रश्न और तीन उत्तर लिखा है, चार प्रश्न चार उत्तर लिखा है। मैंने जल को जीवन क्यों कहा गया है? जल सब प्राणी मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए जल को जीवन कहा गया है। जल धरती पर कैसे उतर कर आता है? जल धरती पर नदी समान उतर कर आता है। अंत में जल किसका रूप लेता है और कैसे? अंत में जल सागर में मिल जाता है। अभी हम क्या करेंगे? और एक जो प्रश्न बचा है लिखित करके उस प्रश्न के उत्तर का हम बोर्ड पर लिखेंगे। प्रश्न छ, अपने देश में पानी क्यों कम हो गया है? क्यों कम हो रहा है? अपने देश में पानी की मात्रा कम हो रही है। हो रही है क्योंकि बारिश बारिश की कमी से बारिश की कमी के कारण पेड़ों को लगातार काटने के कारण कारण पानी कम हो रही है। देखिए बच्चों, अगर हम पेड़ों को ऐसे ही लगातार काटेंगे तो देखिए बारिश नहीं हो पाएगा। बारिश नहीं होगा तो पानी कहाँ से आएगा हमें? इसलिए ज्यादातर क्या करना है हमें, जहाँ पर आपको घर के बाहर आपके जो गार्डन में अगर पीछे आगे अगर कोई किसी का तो गार्डन को कुछ भी स्कूल के आगे कहीं भी क्या कर सकते हो आप, पेड़ों को लगा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा पेड़ों पर लगाओगे तो हरा भरा रहेगा हमारा पूरा जो प्रकृति, तो तभी क्या हो जाएगा, बारिश होगा हमारे लिए। तो बच्चों पूरा मैंने लिखित कार्य के प्रश्नों को उत्तर के साथ बोर्ड पर लिखाया है। अभी हम क्या करेंगे, जब कविता की पंक्तियां पूरी करें, प्रश्न
पूरी करें। गतिमान फिर होता है गतिमान निर्मल स्वच्छ और शीतल को लेकर निर्मल स्वच्छ और शीतल जल लेकर जलना उठता गिरता मधुर ध्वनि देकर तो दूसरा देखेंगे। फिर जल जलती फिर जल धरती पर है नदी समान देवता सब प्राणियों को जीवन दान। तीसरा आगे ही बढ़ना आगे ही बढ़ना उसका काम। ताकि जीवन रहे गतिमान ताकि जीवन रहे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना देखिए बच्चों तो पर्वतों से लेकर ध्वनि लेकर देखिए यहाँ पर पूरा मैंने फिल इन द ब्लैंक्स को भर दिया है जो मैंने उसके नीचे रेखा खींचा है। हाँ तो वहां तक क्या है वो फिल दिया है मैंने। फिर जल धरती पर है नदी समान देवता सब प्राणियों को जीवन दान आगे ही बढ़ना उसका काम। ताकि जीवन रहे गतिमान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना जगत अब है युवा समान। तो देखिए कविता की पंक्तियां जो दिया था उनको सभी पंक्तियों को पूरा किया है मैंने। यहाँ पर देखिए पर्वतों से जन्म लेता है और फिर होता है गतिमान निर्मल स्वच्छ और शीतल जल लेकर जलना उठता गिरता मधुर ध्वनि लेकर फिर जल धरती पर है नदी समान
देता सब प्राणियों को जीवन दान, आगे ही बढ़ना उसका काम ताकि जीवन रहे गतिमान, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना जब अब है युवा समान। अभी हम क्या करेंगे, जो आगे का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, नीचे लिखे वाक्य पढ़े और उनमें जो सही है उनके आगे बड़े काने में सही का चिन्ह और जो गलत है उनके आगे गलत का चिन्ह बनाए। नीचे लिखे वाक्य पढ़े और उनमें जो बने खाने खाने सही पाचन और जो गलत है उनके आगे गलत का चिन्ह बनाए। गलत का चिन्ह बनाए, हाँ देखिए यहां पर, हाँ जो नीचे वाक्य दिया गया है उनको पहले ध्यान से पढ़ना है और जो वाक्य गलत है लगता है कि अभी क्या करना है, गलत लिखना है और सही गलत का सही चिन्ह लगाना है और जो सही है उसके आगे सही का चिन्ह बनाना है। तो देखिए पहला कौन सा है, कर बूंद 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 करके नुकसान नहीं होता। तो दूसरा प्रश्न देखिए, फल सब्जी तो उसके आगे हम क्या करेंगे, ए बनाएंगे, ख ख ऐसा बॉक्स बना के रखेंगे हम सही गलत का एक लगाने की दिशा में लगाने के लिए। फल सब्जी धोने के बाद वह पानी पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। तीसरा घर फव्वारा, देखिए फिर से लिख हमारा का चिन्ह गया यहां पर, फव्वारा चलाकर फाउंटेन बोलते हैं जिसे नहाने से
रश्मिका रश्मिका में देखिए डैश ब्रश करते समय ना सॉरी ब्रश करते समय नल की टोली दुनिया के बहुत से इलाकों में वर्षा नहीं होती हाँ देखिए यहां पर बूंद बूंद करके नल टपकने से कोई नुकसान नहीं होता। एक गलत बात है बच्चों, क्योंकि बूंद बूंद कर नल टपकने से क्या होता है, बहुत वेस्ट होता है वहां पर। अभी देखिए फल सब्जी तोड़ने के बाद वह पानी पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए, सही है, क्योंकि फल सब्जी जो भी धोते हैं तो उसको फिर से हम उपयोग नहीं करते, क्या करते हैं पूरे ऐसे सिंक में क्या करते हैं उसको छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो उसको क्या करना है, पेड़ पौधों को लगाएंगे, अगर डालेंगे तो उनको तो पानी मिलेगा ना। हाँ देखिए फव्वारा चलाकर नहाने से पानी ज्यादा खर्च होता है। हाँ बच्चों, तो फव्वारा चलाकर पानी नहाने से पानी ज्यादा खर्च होता है, तो क्या करना है आपको फव्वारे को बंद करके ऐसे ही नंबर बात करना है। ब्रश करते समय नल की टोटी बंद करनी चाहिए, तो ये सही है। कल कारखानों का कचरा तो नदी तालाबों में नहीं जाना जाने देना चाहिए। हाँ ये भी सही है, सही करना चाहिए। दुनिया के बहुत से इलाकों में साल साल भर तक बिल्कुल वर्षा नहीं होती है, सही है बच्चों। सबका ऐसे ही हाल है, कुछ ऐसे जगह है, हाँ कुछ ऐसे जगह है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें साल भर तक ये नहीं होते, तो उसको क्या करना है बच्चों, इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है। अगर पानी को वेस्ट करेंगे हम, वेस्ट करने से क्या होता है, बहुत नुकसान होता है, इसलिए हमें क्या करना है, पानी को बचा कर रखना है। तो आगे हमें हेल्प होंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, अभी आपको ग्रह कार्य देंगे बच्चों। जीवन है कविता के आज की कक्षा कार्य में
दो बार पढ़ना है। हाँ देखिए बच्चों, जो भी मैंने आज कक्षा कार्य में आपको बोर्ड पर लिखाया है, सभी अभ्यास कार्य को आपको अपने कॉपी में एक बार लिखना है और दो बार पढ़ना है। तो बच्चों आज का पाठ यहीं पर खत्म हुआ। कल मैं आपको जल ही जीवन है इस पाठ के जो अभ्यास कार्य में से MCQS क्वेश्चंस के साथ आऊंगी। धन्यवाद।